हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल बिल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि विंटर सेशन में पार्लियामेंट में आने वाला है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए वी आर द इन्वेस्टोग्राफर और बताइए कि आपने किस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रखा है या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने विंटर सेशन से पहले जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उनकी जो लिस्ट जारी की है उसमें से 10th नंबर पर जो है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के नाम से ये क्रिप्टो करेंसी बिल डाला हुआ है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि RBI को डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इशू करने के लिए राइट्स देने के बारे में वो इस बिल के माध्यम से RBI को परमिशन देने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उनमें बैन करने के बारे में भी वो इस बिल में मेंशन करते हैं। और साथ ही साथ जो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है उसे बढ़ावा मिले इसके लिए भी जो पुश होना चाहिए वो देने के बारे में इस बिल में कहा गया है। सिमिलर बिल जो है बजट सेशन में भी रखा गया था और इससे पहले भी दो अलग अलग सेशंस में इन बिल्स को रखा गया था, पर ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए किन्हीं रीजंस की वजह से, इसीलिए इस बार भी इस बिल को फिर से एक बार पार्लियामेंट के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इस बार चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आज ही जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है इसमें भी इस बिल के बारे में डिस्कशन हुआ है, और अगर कैबिनेट इस बिल को पार्लियामेंट के सामने रखने के लिए मंजूरी दे देती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको विंटर सेशन में ये बिल पास होता हुआ दिखाई दे। अगर ये बिल पास होता है तो इसमें जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कहा गया है इसमें जितने भी अलग दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है RBI ने इशू कर की हुई क्रिप्टो करेंसी के अलावा उन सारे क्रिप्टो करेंसीज पर बैन आएगा, ऐसा फिलहाल देखते हुए लग रहा है। इस बिल के बारे में हम अंदाजा ही बना सकते हैं क्योंकि अभी तक इसका ड्राफ्ट जो है गवर्नमेंट ने हमारे सामने नहीं रखा है। जब ये पार्लियामेंट के सामने आ जाएगा उसके बाद हमारे सामने ये ड्राफ्ट आ जाएगा और इसके बाद ही हम जो है ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात कर पाएंगे। पर क्या अगर बैन क्रिप्टो करेंसी पर आ जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फुलिश डिसीजन लेगी जिसमें वो नोटबंदी की जैसे एकदम से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन लगा देगी। जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड है उनको निकलने के लिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, इसलिए इस बिल की वजह से जो पैनिक सिचुएशन हो रही है या जो पैनिक सेलिंग हमें बिटकॉइन में देखने को मिल रही है या बाकी क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल रही है उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बैन भी लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जिससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को सिक्योर रख सकते हैं, गवर्नमेंट की नज़र से अलग रख सकते हैं और बाकी कंट्रीज में जाकर आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो क्या तरीके हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पर अभी मुझे नहीं लगता कि उन सब पे जाने की ज़रूरत है। अभी मैं बस इतना ही बता दूं कि ये बिल बस इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, पार्लियामेंट ने अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया है। पार्लियामेंट में हो सकता है कि इस बिल में कुछ चेंजेस भी बताए और उसके बाद पास करें, और जब भी ये बिल लोकसभा में सबसे पहले रखा जाएगा इसके बाद राज्यसभा में और फिर प्रेसिडेंट के सामने जाएगा तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है। तो अभी से आप इस बिल को लेकर पैनिक सेलिंग ना करें जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टेड है, और जो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि वैसे ही पहले ही क्रिप्टो करेंसीज काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रही है और इस समय पे मुझे पर्सनली लगता है कि इस समय पे इन्वेस्ट करना सही डिसीजन नहीं होगा। साथ ही साथ इस तरह की एक सिचुएशन बन गई है जिसमें क्लियरिटी नहीं है, ऐसे में आप अगर नए से इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा दूर रहिए। अगर इस बिल को लेकर और कोई भी अपडेट आते हैं तो मैं आपके सामने फिर से एक बार ऐसे ही वीडियो के माध्यम से आपके सामने उन सारी अपडेट्स को रखूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहे और ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार लिख दीजिए वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स।